नमस्कार, मैं हूं आपका भाई किशोर। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। जैसा कि आपको यहां पे साफ साफ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ईश्रम कार्ड के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। ईश्रम कार्ड के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी तक कार्ड यदि आप बनवा चुके हैं तो आपके लिए जो गुड न्यूज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3,000 रुपये मिलना शुरू हो चुका है। ईश्रम कार्ड योजना के अंतर्गत आप सभी को 3,000 रुपये मिलना शुरू हो चुका है। कब मिल रहा है, किनको मिल रहा है, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। यदि आप 3,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत लेना चाहते हैं, 3,000 रुपये की लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए आपको नहीं मिलेगा। मुझे भी नहीं मिला, मेरा भी श्रम कार्ड है, बट मैंने जब नहीं किया तो मुझे भी इस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की राशि नहीं मिला। तो आपको वो क्या करना होगा जिस वजह से आपको 3,000 रुपये की राशि मिलेगी, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आपको केवाईसी करना पड़ेगा या क्या आपको अपडेट करना होगा या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या आपको बैंक खाता संख्या अपडेट कराना होगा या फिर सुधार कराना होगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर 3,000 रुपए की राशि लेने के लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि आपको सीएससी जाना होगा, सीएससी केंद्र के माध्यम से करना होगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं सबको मिलना शुरू हो चुका है श्रम कार्ड के अंतर्गत। नीचे देख सकते हैं, जल्दी कीजिए यह काम आपको करना ही पड़ेगा यदि 3,000 रुपये की राशि लेना चाहते हैं तो। जैसा कि आपको ऊपर में यहाँ पे दिख रहा होगा, यही है श्रम कार्ड जो कि आप प्रज्ञा ज्ञान के माध्यम से कभी न कभी जरूर बनवा लिए होंगे। नहीं बनवाए हैं तो फटाफट से बनवा लीजिए अपने नजदीकी प्रज्ञा ज्ञान के माध्यम से। यदि आप पैसे लेना चाहते हैं इस योजना के अंतर्गत तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की राशि लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्रज्ञा केंद्र। क्या लेके जाना होगा और कैसे जाना होगा, पहला चीज तो 3,000 रुपये की राशि आपको लेने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेके आपको जाना होगा प्रज्ञा केंद्र, जहां पे आपको ऑनलाइन कराना होगा श्रम कार्ड के अंतर्गत। उसके बाद ही आपको इस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की राशि भेजा जाएगा, आपके बैंक खाता में भेजा जाएगा। ये बातें आपको अगल बगल बहुत सारा सुनने को मिला होगा। यहां तक कि आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की राशि किसी को मिल चुका है। किनको मिला, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत कोई ना कोई अपडेट्स कराए। तो अब हकीकत क्या है, क्या श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत आप सभी को 3,000 रुपये की राशि मिल रहा है या फिर बिल्कुल फेक है। तो चलिए इसी का पर्दाफाश करने के लिए मैं इस वीडियो को आप सभी के सामने लेके आया हूं। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यदि आप जाते हैं श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत अपडेट्स कराने के लिए तो अपडेट्स तो आप वैसे करा सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड के अनुसार से। यदि आधार कार्ड में कोई चेंजेस करते हैं, कोई बदलाव करते हैं तो उसे अपडेट करा सकते हैं। नाम वगैरह, एड्रेस, जन्मतिथि, जो भी अपडेट आप कराना चाहेंगे संबंधित जो जरूरी है आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप बैंक खाता संख्या को अपडेट कराना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। आप अपने काम को अपडेट कराना चाहेंगे, जैसे कि श्रम कार्ड के लिए, श्रम कार्ड मतलब एक श्रम कार्ड हो गया, आप कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई रोजगार से जुड़े हुए हैं, तभी आपको श्रम कार्ड मिला है और उसी के आधार पे आप श्रम कार्ड बनवाए हैं। तो अपने काम में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए आपने खेती करना शुरू किए हैं, अब आपको कोई फैक्ट्रीज में काम करना है या मनरेगा में काम करना है या कोई और काम करना है, जो भी काम करना है अपने काम को अपडेट आप करा सकते हैं। यदि आप काम को चेंजेस कर रहे हैं, केवाईसी वगैरह आप करा सकते हैं। तो क्या ये करना जरूरी है कि आपको पैसे मिलेंगे ये करने से, नहीं मिलेगा, एक रुपया भी नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये कंफ्यूजन है आप सभी के लिए, इसका मैं प्रूफ के साथ भी बता रहा हूं। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि एक रुपया का पैसे नहीं मिलेगा, आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, जैसा कि मैं सबसे पहले आपको इस पेपर ग्रेडिंग में जो दी हुई जानकारी है सीएससी डीएम के द्वारा उसे मैं पहले दिखाता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर किन्हीं को इस योजना के अंतर्गत पैसे मिल कैसे रहा है। किन्हीं को तो मिल रहा है, आपने सुना होगा, आप सभी कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि पैसे मिल रहा है तो ऐसा क्या करना होगा, तो कैसे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देख सकते हैं, ई श्रम कार्ड से नहीं मिल रहे है 3,000, जिला प्रबंधक के द्वारा ये सूचना आपको दिया जा रहा है। अब जिला प्रबंधक कौन है, सीएससी डीएम, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उनके द्वारा ये सूचना दिया गया है। आगे देख सकते हैं पबिया का ये न्यूज है, जामताड़ा, आगे देख सकते हैं कि ये जामताड़ा का न्यूज है। इन दिनों श्रम कार्ड के जरिए महीना में 3,000 बैंक के माध्यम से मिलने की अफवाह जोरों से चल रही है। अब ये केवल जामताड़ा में ही नहीं चल रही है, अलग अलग जिलों में भी चल रहा है, झारखंड के अलग अलग जिलों में भी देखने को मिला, जैसे कि आप लोग कॉमेंट करके बता रहे थे। मेरे जिले में भी कहीं कहीं सुनने को मिला कि इस योजना के अंतर्गत पैसे मिल रहा है, कुछ लाभुक श्रम कार्ड को अपडेट कराने के लिए प्रज्ञा केंद्र जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, करा सकते हैं अपडेट, लेकिन उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जैसा कि आपको साफ साफ यहां पे दिख रहा है, अपडेट आप कराइए यदि जरूरी है तो।
आपको उसमें अपडेट के लिए 100 रुपये 50 रुपये पैसे भी देने पड़ रहे होंगे। वो पैसे आपका पानी में जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे 3000 रुपये की राशि, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है। आगे यहाँ पे देख रहे हैं, आगे यहाँ पे मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको लेकर श्रम कार्ड और पासबुक लेकर सीएससी केंद्र में ऑनलाइन करने भी पहुंच रहे हैं। बहरहाल इस संबंध में सीएससी संचालक कुछ कहने से बचे, यहाँ पे आपको सावधान किया जा रहा है। आगे देख सकते हैं, लेकिन लोग दबे पांव किसी को कुछ कहे बिना ऑनलाइन के लिए पर पहुंच रहे हैं, यानी सीएससी पर पहुंच रहे हैं। आगे देख सकते हैं, इस संबंध में सीएससी के डिजिटल मैनेजर उत्पल दे ने कहा कि श्रम कार्ड का मामला श्रम विभाग का है, लेकिन यह गलत सूचना है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत 3000 रुपये आपको क्यों देंगे, किस लिए देंगे? सरकार ने ऐसा कोई नियम यदि जारी करती है, कोई ऐसा प्रावधान करती है तो आपको पैसे मिलेंगे, बट झारखंड में ऐसा कोई भी नियम अभी श्रम कार्ड के अंतर्गत पैसे भेजने से संबंधित नहीं आया है। जैसा कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख गया, जिला प्रबंधक के द्वारा ये सूचना दिया गया है, आपको सावधान करने की, आपको सावधान किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अपडेट कराते हैं वैसे लाभुकों को कुछ पैसे मिलता है श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत, ऐसा सुनने को मिला होगा, तो ये क्या है? तो मैं आपका क्लियर कर दूं, आपको सरकारी योजना से रिलेटेड बहुत सारे सुविधा दिया जाता है, पैसे दिया जाता है। उदाहरण के लिए पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2000 रुपये की राशि दिया जाता है, उसके बाद मैया सम्मान योजना का पैसे दिया जाता है, आवास का पैसे दिया जाता है, सुखाड़ योजना का भी पैसे कुछ लाभुकों को मिला है। तो इस तरह से यदि आप श्रम कार्ड के अंतर्गत अपडेट कुछ कराते हैं, उसी के संजोग कुछ दिनों के बाद आपको कोई ना कोई सरकारी योजना का पैसे मिल जाता है, तो आपको लगता है कि आपको श्रम कार्ड का पैसे मिल गया। लेकिन यदि आप उसको अपडेट कराएंगे, पासबुक को अप टू डेट करेंगे, तो वहां पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि आखिर कौन चीज का पैसे मिला आपको, किस चीज का मिला, क्या सुखाड़ का मिला, पीएम किसान का मिला, मैया सम्मान निधि का मिला, या किस चीज का मिला, साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उसी से समझ जाएंगे आखिर कौन सा पैसा आपको दिया जा रहा है। तो अफवाह में मत रहिए, अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। श्रम कार्ड के अंतर्गत आप चाहे तो सीएससी केंद्र के माध्यम से अपडेट्स करा सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पैसे अभी नहीं दिया जा रहा है। 3000 रुपये की राशि, इससे संबंधित कोई भी योजना अभी तक नहीं आई है, जैसा कि आपने सीएससी डीएम के माध्यम से देखा, ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आप सभी को सचेत करने का प्रयास किया वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे अफवाह में मत रहिए, कोई अफवाह इस तरह का देते हैं, लोभ लालच देते हैं, तो उसको वेरिफिकेशन कीजिए, जांच कीजिए क्या आपको उसमें सच में प्रॉफिट मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो ही आप इसमें करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसमें तो नहीं मिल रहा भाई, बाकी कोई और योजना का मिल रहा है तो आवेदन उसका कीजिए, जरूर कीजिए, बट जांच पड़ताल करने के बाद ही कीजिए, क्योंकि आपका पैसे बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, जिसकी बहुत ही ज्यादा मूल्य होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी सचेत हो सके, अपने पैसे और समय ये दोनों को बर्बाद नहीं करें। विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां ज्वाइन करेंगे तो आपको जरूरी पीडीएफ फॉर्म वगैरह मैं उपलब्ध कराता हूं, साथ ही जो वीडियो मैं शेयर करता हूं, पब्लिक करता हूं, उसे पर भी शेयर कर देता हूं, ताकि आपको फटाफट से वीडियो भी मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।